मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है। यह मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता साहिब। तब अगर तुम भी मेरे कॉल्स रिसीव नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूंगी? तुम तो समझो ना एटलीस्ट। मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने कॉल किया हो और मैंने रिसीव नहीं किया हो। हाँ साहिब, पर तुम भी तो समझो ना। एक मिनट, में कॉल बैक करती हूँ। कौन है? सचिन, नाश्ता लग गया है, आइए नाश्ता कर लीजिए। विभा, मैं जरा से भी तमीज नहीं है? किसी का फोन यूज करने से पहले पूछ नहीं सकती हो क्या? माँ, बस। हाँ, अब सुबह सुबह तुम रोना चालू कर दो, है ना, ताकि सबको लगे कि मेरी ही गलती है। ना, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, अब हर बार विभा की तरफदारी मत किया कीजिए। बच्ची ने फोन ही तो लिया था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? रो मत बेटा, आओ इधर बैठो। रो मत बेटा, अब बताओ क्या हुआ? दादी, मैंने तो बस माँ का फोन लिया था, मुझे कॉल करना था, मेरे में नेटवर्क नहीं था। गुस्से तो कुछ होता नहीं, और सारा गुस्सा बच्ची पर निकालती रहती है। एक मिनट, क्या खुद से कुछ होता नहीं है? आप कहना क्या चाहती है माँ जी? सबको मालूम है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ना तो तुम्हें बच्चे पालने की अकल है, ना बच्चा पैदा करने की। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी क्या माँ एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाते हो? देखा सचिन, ये ना रोज का हो गया है, रोज मुझे इसी तरीके से ताने मारती है माँ जी। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ना इस विभा की गलती है, इसी की बुरी नजर लगी है मुझ पे। इसमें विभा की क्या गलती, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, समझे? अब ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बस करो माँ, महीने में 4-5 दिन तो मैं घर रहता हूँ, उसमें भी तुम दोनों झगड़ा करते रहते हो, तुम ही शांत हो जाओ ना। करो ना, चलो बेटा अंदर चलते हैं, वरना वापस ऐसा रोना धोना देखना पड़ेगा। रूना, तुम तो चुप ही रहो सचिन, तुम हर बार मुझे ही समझाते हो, कभी तो मेरी साइड लेके बात किया करो। मैं क्या करूं करूना, तुम ही बताओ। देखो सचिन, मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शांति चाहिए ताकि दवाइयों का प्रोग्रेस हो, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी। करूना मेरी बात को समझो, माँ को तो मैं दिनेश के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन विभा को तो नहीं छोड़ सकता ना, वो मेरी बेटी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जब ट्रिप से लौट के आऊंगा ना, तो उसके बाद कुछ इसका सलूशन निकाल लेंगे, जब तक तुम प्लीज हैंडल कर लेना। क्या हुआ बेटे? पापा, तुमने दूसरी शादी क्यों की? अपना ख्याल रखना।
बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। शालिनी जब गुजर गई तुम बहुत छोटी थी और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। सचिन भी बहुत शांत रहता था। तुम्हें और तुम्हारी परवरिश को कोई कमी ना पड़े और तुम्हें माँ की ममता मिले और सचिन को भी उसकी जिंदगी में कुछ साथी मिल सके, इसके लिए उसने करुणा से शादी की। पिताजी माँ तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, हर बार चिल्लाती रहती है। सच में इतनी बुरी हूँ? नहीं रे प्यारी गुड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हर इंसान तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना। विभा तुमने करुणा को अपना लिया है, लेकिन करुणा ने अभी तक तुम्हें नहीं अपनाया है। देखो बेटा तुम्हें जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डांटेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना अच्छापन कभी भी नहीं खोना है, हर परेशानी का सामना करना है। जो करना है ना ये भी तुम्हारी जिंदगी की एक परेशानी है, तुम्हें इसे भी पार करना होगा, समझी? और हर बार तुम्हें समझाने के लिए मैं नहीं रहूंगी बेटा, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? सचिन अभी जस्ट चला गया है, बुकिंग हुई क्या? करुणा मैं ना थक गया हूँ होटल में मिल मिलकर, और मेरे पैसे भी खर्च हो चुके हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम घर पर ही कुछ इंतजाम कर लो। देखो यार मेरे पैसे भी बच जाएंगे। तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ घर पे वो बुड्ढी और विभा दोनों हैं, और देखो ये घर पे मिलना ना मुश्किल है, तुम कोई होटल ही देख लो, और तुम्हें तो सब मालूम है फिर भी तुम। करुणा प्लीज बात को समझो यार। लिसन करुणा, मेरे पास एक प्लान है। कल जब विभा कॉलेज चली जाएगी ना तब बुड्ढी को नींद की गोलियां खिला दो और मुझे कॉल करो। बुड्ढी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, और टेंशन मत लो। बस कल दोपहर में बुड्ढी को नींद की दवाइयां लेकर खिला दो। हाँ ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, पर अगर जरा सा भी बुड्ढी को शक हुआ ना तो फिर ये प्लान कैंसिल। करुणा सुनो, हेलो क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।